हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग दोस्तों? आज के वीडियो में हम जानेंगे एनटीसी और पीटीसी के बारे में। एनटीसी और पीटीसी हम क्यों यूज करते हैं, इसका क्या काम है, इसका यूज करने का हमें फायदा क्या होता है, और इसकी वैल्यू जो लिखा है इसका क्या मतलब होता है, और इसको मल्टीमीटर से हम कैसे चेक कर सकते हैं सही है या खराब है, और एनटीसी कहाँ यूज करते हैं और पीटीसी कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी जानेंगे। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एनटीसी है, ये पीटीसी है। एनटीसी अक्सर ब्लैक में आता है, पीटीसी अक्सर ब्लू कलर में आता है, लेकिन कलर के ऊपर ना जाएं। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप मल्टीमीटर से चेक करके बता सकते हैं कौन सा एनटीसी है, कौन सा पीटीसी है। सबसे पहले एनटीसी के बारे में समझते हैं। मैं आपको ये बता दूं, जो लिखा है 15D, ये जो 15D लिखा है, आप किसी और पे देखेंगे तो इस पे कितना लिखा है, 5D लिखा है, और इस पे क्या लिखा है, इसका मिट गया है, इस पे 10D लिखा है। ये 5D है, ये 10D है, और ये 15D है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, और ये 15 ओम है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ। मैंने मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर है इसको मैं कर दिया 200 ओम पे। ठीक है, अब चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसको, इसकी वैल्यू क्या है, 10D, यानी कि ये 10 ओम होगा। मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख रहे हैं 9.2, जैसा कि मैंने बताया 10 ओम होगा, ये 9 ओम बता रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसको, इसकी क्या वैल्यू है, 5D, तो ये होगा 5 ओम। बता रहा है। ठीक है, ये 5 ओम है, और जिसमें 15D लिखा है ये 15 ओम होगा। ठीक है, 14.5 बता रहा है, तो आप समझ गए होंगे जिसपे जो लिखा होता है उतना ओम्स होता है। अब ये काम कैसे करता है, ये एनटीसी जो लिखा है इसका मतलब हो गया कि ये निगेटिव भी काम करता है, और जो पीटीसी होता है वो पॉजिटिव काम करता है। इस कंपोनेंट का जो नॉर्मल वैल्यू है वह है 15 ओम। ठीक है, लेकिन जब इसकी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, और टेम्परेचर कम होगा तो वैल्यू ज़्यादा होती चली जाएगी। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कैसे कम और ज़्यादा होता है। ये आयरन है, आयरन को जब भी मैं इसके पास ले जाऊँगा, गर्मी दूंगा, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होते चला जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इसकी क्या वैल्यू है, 15D है तो ये 15 ओम होगा। ठीक है, 15 ओम बता रहा है। इस पर मैंने एक तार जोड़ दिया, एक प्रॉब इस पे जोड़ दिया, और दूसरा इस पे। अब आप देख रहे हैं जो इसकी वैल्यू है वो शो कर रहा है, जैसा कि 15 ओम है। ठीक है, 15D है तो ये 15 ओम है, आपको यहां दिखा रहा है 13.5 ओम। ठीक है, अब जब मैं आयरन इस पर रखूंगा तो इसकी वैल्यू देखेंगे आप, चेंज हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू कम होने लगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब जैसे जैसे ठंडा होगा वैल्यू इसकी बढ़ती चली जाएगी। ये वापस से अपने वैल्यू पे आ जाएगा, जो इसकी वैल्यू था 13.5 से 14 ओम के आसपास था, वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एनटीसी इस प्रकार काम करता है, और पीटीसी सेम उसका ऑपोजिट काम करता है। इसको जब सर्किट में यूज करते हैं, इसको मतलब ये एनटीसी की बात कर रहा हूँ, मैं आपको पेन और पेपर से समझा देता हूँ। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ एनटीसी की बात कर रहा हूँ, एनटीसी का जो यूज होता है, मान लेते हैं ये 220 वोल्ट का पॉइंट है, एसी 220 वोल्ट। ठीक है, तो जो एनटीसी होता है उसका यूज करते हैं यहां पर, यहां पर। ठीक है, और ये डायरेक्ट चला जाएगा रेक्टिफायर के लिए, ये रेक्टिफायर है, इसके बाद ये प्लस और ये माइनस बन जाता है।
ठीक इस प्रकार से सीरीज में यूज करते हैं। एनटीसी हमेशा सीरीज में यूज होता है, ठीक है। और जो पीटीसी होता है ये पैरेलल में यूज होता है, सेम सर्किट यही रहेगी। मान लेते हैं एसी 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का एसी है ये, और ये चला गया रेक्टिफायर पे, ये प्लस ये माइनस, ये रेक्टिफायर है। इसका यूज पीटीसी का यूज क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं पैरेलल में। जब भी पीटीसी यूज होगा इसी प्रकार से यूज होगा पैरेलल में, एनटीसी यूज होगा ये सीरीज में होगा। मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे तो इस पर बजर बजना चाहिए तो ये ओके है, और अगर इस पर बजर बज रहा है पीटीसी पे तो ये खराब है। दोनों अपने अपने काम में एक दूसरे से ऑपोजिट है, और इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो इस पर बजर बजेगा, और इसको चेक करेंगे तो बजर नहीं बजेगा। मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने बजर वाले पॉइंट पर कर दिया, अब इसको चेक कर रहा हूँ एनटीसी को, आप देख रहे हैं बजर चल रहा है तो ये ओके है। अब पीटीसी चेक करूँगा तो बजर नहीं चलेगा, ये ओके है। अगर इस पर बजर बज रहा है तो यानी कि ये खराब है, और इस पर बजर अगर नहीं बज रहा है तो ये खराब है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।